नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं, ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल यूपी में सरकारी नौकरियों की भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर हो रही सियासत पर है। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटा। आपको बताते चले, सीएम योगी ने अपनी सरकार में पारदर्शी तरीके से हो रही सरकारी भर्तियों की तारीफ की और समाजवादी पार्टी सरकार के दौर में होने वाले भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि पहले भर्तियां निकलने से पहले ही चाचा भतीजा वसूली पर निकल जाया करते थे, भर्ती प्रक्रिया में तमाम खामियां थी, जबकि उनकी सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सरकारी पदों पर भर्तियां कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने न्यायिक सेवा की परीक्षा में कॉपी बदले जाने की घटना से लेकर सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्तियों तक को लेकर योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का पलटवार किया है। विपक्ष बीजेपी पर 7 साल में सरकारी भर्तियों की 8 परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर भी सवाल उठा रहा है। खासकर 60,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा तक के पर्चा लीक को लेकर बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, यूपी में परीक्षा होने के बावजूद 5-6 साल तक नतीजे घोषित नहीं होना भी युवाओं के साथ अन्याय है। लखनऊ में तो जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती में हो रही देरी को लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं। ऐसे में युवाओं, रोजगार और सरकारी पदों पर रिक्तियों और भर्तियों को लेकर तमाम सवाल हैं, जिनको लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे गरमाई हुई है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। सुश्री सीमा गौतम, श्री मोहन गुप्ता आवंटित जनपद उन्नाव, सुश्री नेहा कपूर लखनऊ, सुश्री श्वेता सोनकर आजमगढ़। उनके भावकों को हृदय से बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश में एक तरफ 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, दूसरी ओर सैकड़ों युवा प्रदर्शन कर रहे थे कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद 5 साल बाद भी 1,477 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही। प्रदर्शनकारियों के उन सवालों से बेखबर सरकार इधर लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांट रही थी और प्रदेश के नौजवानों के साथ इंसाफ का दावा करते हुए मुख्यमंत्री, विपक्षी दल पर सियासी हमले भी किए जा रहे थे। 2017 के पहले क्या होता था, ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे, क्योंकि भर्ती नहीं होती थी, भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। सीएम योगी का आरोप था कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में सरकारी भर्तियों के दौरान भ्रष्टाचार के इतने मामले उजागर हुआ करते थे, लेकिन 7,000 से ज्यादा लेखपालों की भर्ती बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो गई। एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूँ एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साथ हमारी तैनाती हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या वजह है कि सैफई मेडिकल कॉलेज, उसमें कुछ एक ही कोचिंग के इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई? न केवल सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आरक्षण नहीं देना चाहते। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित तो पीडीए परिवार को नौकरी मिल जाएगी।
समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यूपी की मौजूदा सरकार ऐसी कई भर्तियां भी कर रही है जिनमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखने की कोशिश हो रही है, जबकि खबर है कि यूपी सरकार अब आउटसोर्सिंग की नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की दिशा में पहल कर चुकी है। और सीएम योगी ये भी दावा करते हैं कि अब तक यूपी में 6 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी सरकार आगे जल्द ही और भर्तियां निकालेगी। इसमें से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही 16,900 से अधिक पदों पर भर्तियां निकलने वाली हैं। इसमें शिक्षकों की 6,000 भर्तियों के अलावा सरकारी कॉलेजों में सहायक आचार्य के 350 पद और प्रादेशिक सेवा सर्विस में 200 पदों के अलावा अन्य विभागों में करीब 10,000 पदों पर दिसंबर तक भर्तियां निकलने वाली हैं। 6 लाख से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी में नौकरी प्रदान करने और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1,55,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की, 1,54,000 से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी नियुक्ति की इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर सवाल सिर्फ सियासी ही नहीं कानूनी भी उठे हैं, क्योंकि यूपी में पिछले 7 साल में हुई 8 भर्ती परीक्षाओं में तो पेपर लीक के भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे हैं। इसके अलावा सरकारी पदों पर भर्तियों में होने वाली लेट लतीफी को लेकर भी यूपी के युवा आवाज उठाते रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों में एक जूनियर इंजीनियर पद पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार हैं, जो करीब 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। पूरे आप चित्र को देखेंगे तो इनका एवरेज है 5-5.5 साल एक भर्ती का। तो अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक विज्ञापन निकालता है तो क्या अभ्यर्थी मान ले कि उनका एवरेज 5-5.5 साल होगा। दरअसल 2018 में जूनियर इंजीनियर के 1,477 पदों पर निकली भर्ती के लिए 4 साल बाद 2022 परीक्षा हुई। दस्तावेजों का सत्यापन 2023 में हुआ, लेकिन अब तक आखिरी परिणाम घोषित नहीं किया जा सके हैं। हालांकि यूपी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पर्चा लीक से लेकर लेट लतीफी तक के जो भी आरोप लगे, लेकिन किसी भी भर्ती में भाई भतीजावाद या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। नौकरियों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन राजनीति भी इस मुद्दे पर गरमाई हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अजय वर्मा जी, आप कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव का ये कहना है कि खास रंग का कपड़ा पहनकर लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनका आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा रंग पर है। और उनकी ओर से जो बयान दिया गया चाचा भतीजे के संदर्भ में, वो कह रहे हैं एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, दूसरी तरफ भर्तियां नहीं हो रही हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के ऊपर क्यों आरोप लगा रही है बीजेपी? समाजवादी पार्टी पर सत्य आरोप आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने जो भगवा वेश पहने हैं, जो त्याग और बलिदान का रंग है, समर्पण का रंग है, उसके अनुकूल ही उनका कार्य भी है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ही कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 15,00,000 करोड़ रुपयों का निवेश हुआ, 1,62,00,000 लोगों के लिए नौकरियां सृजित हुई, रोजगार सृजित हुआ। सिर्फ सरकारी विभागों में 6,00,000 नौकरियां दी गई, जिनमें स्वयं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि 1,55,00,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और 1,54,00,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, और एक में भी भ्रष्टाचार का कहीं पर भी लेश मात्र भी नहीं है। और एक कार्यकाल अखिलेश यादव जी का भी था, जब लोक सेवा आयोग के बाहर बोर्ड लगा दिया गया था यादव आयोग का, लोग इतना पूरी तरह से पीड़ित प्रताड़ित हो गए थे कि एक जाति विशेष के अलावा लोग पीसीएस परीक्षाओं में पास ही नहीं कर रहे थे। उस जाति के लोगों से भी रिश्वत ली जाती थी, दुकानें खुली हुई थी, पुलिस की भर्तियों को कोर्ट जो है रद्द कर दे रहा था। ये स्थिति थी कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री अनिल यादव को, जो अखिलेश जी के परम मित्र थे, उनको हाईकोर्ट के आदेश पर निलंबित किया जाता था। ये उत्तर प्रदेश ही था ना, और पुलिस की भर्ती में कुछ जिलों के लोग उनसे विशेष करके वसूली करके भर्ती की गई थी, इसके तमाम साक्ष्य सामने आए। एक बार फिर से जरा वो आंकड़ा बताइएगा जो आपने नौकरियों को लेकर दिए हैं, प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर से वो आंकड़ा बता दें।
आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इतने करोड़ों करोड़ों नौकरियां दी गई हैं, मैं चाहूंगी वो दोबारा आंकड़े आप बता दें एक बार। 15 लाख करोड़ रुपयों का निवेश हुआ है, 1,62,00,000 रोजगार का सृजन उन 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के कारण, और 30 लाख करोड़ रुपयों की निवेश की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियागत स्थिति में है, वो भी 30 लाख करोड़ रुपए। मतलब आप रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों का आंकड़ा आप नहीं दे रहे हैं। सरकारी नौकरियों को लेकर सवाल है ना प्रेम शुक्ला जी, 6 लाख नौकरियां चित्रा जी भी मैंने बताया, ठीक है, चित्रा जी भी बताया 6 लाख नौकरियां, 1,55,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती, 1,54,000 जो है शिक्षा क्षेत्र में भर्ती, और 1 में भी रंच मात्र भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ठीक है, दुकानें नहीं खुली, कोई यादव आयोग का आरोप नहीं लगा, ठीक है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस पर, और अभी लेखपाल की भर्ती में ही देख लीजिए जिस पर उन्होंने बात की, 7,720 पद, और उसको विघ्न संतोषियों ने सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को मुकदमा लड़कर 7,720 लोगों को रोजगार सुनिश्चित करना पड़ा, और एक भी व्यक्ति से उसमें लोगों अभी 7,000 से ज्यादा लेखपालों की नियुक्ति का पत्र कल बांटा गया है, ठीक है। अनुराग भदौरे जी सीधे आपके पास आते हुए, अनुराग भदौरे जी वो कह रहे हैं कि देखिए एक खास जाति के लोगों को ही एक वक्त पर रोजगार दिया जाता था और वो भी वसूली करके, लेकिन पारदर्शी तरीके से रोजगार दिया जा रहा है। बार बार आप सवाल पूछते हैं रोजगार के मुद्दे पर, सरकार घिरी हुई है, देखिए वो रोजगार के आंकड़े भी गिना रहे हैं। अनुराग जी देखिए 5 साल में तो सरकारें भी बदल जाती हैं। SSSC का अभी भी एग्जाम, अभी दफ्तर में भर्ती अभी भी अटकी हुई है, छात्र बेचारे धक्के खा रहे हैं, अभ्यर्थी धक्के खा रहे हैं, भर्ती नहीं हो रही है। अभी आपके संवाददाता ने बताया आप महोदय ने कि 5.5 साल लगते हैं भर्ती का इंतजार करने में, और ये कहते हैं 15 लाख करोड़ हमने दे दिए, भाई कहाँ दे दिए, किधर दे दिए? आपका तो ऐसा विकास है कि एक बारिश की बूंद पड़ती है और आपकी रोड धस जाती है, आपके एयरपोर्ट गिरने लगते हैं, परशुराम के मंदिर में भी पानी आ जाता है, और आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हो, तो आपसे पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि इस यहाँ पेपर लीक लगातार पेपर लीक हो रहा है, बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 25 लाख बच्चे का भविष्य अंधेरे में चला जाता है, तो आप कहते हो, तो फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि अग्निवीर को आप 4 साल की नौकरी दे रहे हो, खुद 5 साल के लिए बैठे हो, फिर बीजेपी वाले जवाब देते हैं, तो फिर इनसे सवाल पूछा जाता है कि भैया युवा परेशान है, वो अपनी महंगाई बेरोजगारी से इतना परेशान हो जाता है कई बार आत्महत्या करता है, आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हो, तो फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि यहाँ देश की हमारे उत्तर प्रदेश की बहनें, उत्तर प्रदेश के किसान परेशान है, तो आप पूछते हो, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी 2024 के चुनाव में 360 डिग्री घूम के वोट के माध्यम से ऐसा तमाचा मारा आपको कि 62 से 33 भी आ गए, अब बताओ, तो जनता ने तो का जवाब आपको दे दिया है। 15 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, ये यार जीव है बिना हड्डी की कुछ भी बोले जा रहे हो। 15 लाख करोड़ कहाँ है? 15 लाख करोड़ जवाब ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हुआ जरा बता दीजिए, एक रोड तक तो बना नहीं पा रहे हो आप, ठीक है, नहीं रोड तक तो बन नहीं पा रही है। हर बात में इनसे सवाल पूछो तो हर बात का सवाल पूछते हैं, तो जनता ने जवाब दे दिया ना, अब समाजवादी 37 सीटें आई ना, जनता आपको 33 पहुंचा दिया, आप बताओ तो। अच्छा 37 में और 33 में कितने अंकों का फर्क होता है अनुराग भदौरिया जी? 33 में 37 में कितने अंकों का फर्क है? और उसके लिए पढ़ लिख कर आना पड़ेगा 10 साल में तो आप लोगों को अनुराग भदौरिया जी बीजेपी को उस आंकड़े पर लेकर आना चाहिए था कि वो 10 से अंदर चली जाए, लेकिन 10 सालों के बावजूद वो 33 पर है और आप लोग 37 पर ही जाते हैं, लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया है वो गंभीर है, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी देखिए वो कई सवालों को लेकर, वो रोजगार के मुद्दे पर आत्महत्या का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरे भी तमाम मुद्दे उठाए हैं, उस पर जवाब दीजिए। 62 से 33 में सुन तो लीजिए, 62 से 33 पे आए हैं और हम 5 से 37 पे पहुंचे हैं, दो का जवाब जनता ने दिया है, आप समझ नहीं पा रही चित्रा जी? मैं समझ गई अनुराग भदौरे जी, जनता भी समझ रही है, ठीक है, लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो के चक्कर में पड़ गए क्या चित्रा जी? अरे अनुराग जी, अब आपसे सवाल पूछ लो तो नाराज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों बेवजह। ठीक है, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहता तो आ जाते हैं फिर एंकर को ही घेरने के लिए। एंकर पर नहीं जाते हुए मुद्दा महत्वपूर्ण है, रोजगार के मुद्दे पर डिबेट है, आपको एंकर को घेरने नहीं दूंगी अनुराग जी। सीधा से सवाल प्रेम शुक्ला जी, उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर आप जवाब दें, ठीक है, अब जवाब सुनिए धैर्य से। चित्रा जी हमारे मित्र अनुराग भदौरिया जी हैं जो हैं वो तोता रंग के कपड़े को पहनकर तोता में ही अधिक व्यस्त हैं। आदरणीय अनुराग जी, मैंने 15 लाख करोड़ रुपयों के जो निवेश की बात की
उसको जो है आप उत्तर प्रदेश के विविध योजनाओं में महसूस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मोबाइल का मैन्युफैक्चरर जो है वो उत्तर प्रदेश है। आज देश की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वो उत्तर प्रदेश में। आप देखिए चित्रा जी, मैं इनको सुन रहा था, मैं कहां समाजवादी लगाई थी अनुराग जी, किधर किधर उनको तोता रंग पसंद है, आपको उनके रंगों से क्या आपत्ति है? प्रेम शुक्ला जी, उनको पसंद है रोज रंग। मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं इनके उनके तोता रंग की प्रशंसा कर रहा हूँ, मैंने कौन सी निंदा की? मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई उनके तोता रंग के जो है वस्त्र पर भी मुझे प्रशंसा कर रहा हूँ मैं, उनके तोता राम वाले जो है वक्तव्य के भी मैं जो है कहा निंदा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बताइए 6 लाख रोजगार नौकरियां, सरकारी नौकरियां आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में दी, अखिलेश जी के कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी, जरा संख्या बता दीजिए। अरे जरा 15 लाख करोड़ रुपए आप कब तक गिनाते रहेंगे कि अखिलेश जी के जमाने में क्या? जरा वो तस्वीरें दिखाइए जिसमें युवा मामले में, आप जरा सोचिए प्रेम शुक्ला जी, मामला कितना गंभीर है। 1 सेकंड अनुराग भदौरे जी, मामला ट्रिपल एससी का मामला 2018 में आप निकालते हैं कि भैया नौकरी में अब लोगों की नियुक्ति की जाएगी युवाओं के, तब से लेकर आज तक सोचिए इतने साल गुजर चुके हैं, परीक्षा होने के बावजूद अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। ये देखिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। कब मिलेगा प्रेम जी? बहुत अच्छा प्रश्न है, हम नहीं निश्चित। और देखिए उनमें से मैंने दो लाइन में लिखी है, वहां पर तख्तियां लेकर जो लोग घूम रहे थे उन्होंने लिखा है, एक छोटी सी नौकरी का तलबदार हूं मैं, तुमसे कुछ और मांगू तो गुनहगार हूं मैं। नहीं, बिल्कुल गुनहगार नहीं है वो, हमारे योग्य अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी। और 6 लाख नौकरियां दी हैं तो 1200 भी देंगे, 4000 अतिरिक्त भर्तियां अभी जो है जूनियर इंजीनियर्स की निकाली गई है, जो जून महीने में उसकी अभ्यर्थना की आखिरी तारीख भी थी, तो हम नौकरियां दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं ना कि जब आप तुलना करते हैं तो दो सरकारों की तुलना करेंगे ना चित्रा जी, तो जब दो सरकारों की तुलना करेंगे, हम 6 लाख नौकरियां बता रहे हैं, तो ये भी बताना कि अखिलेश जी जो है जो चिढ़ जा रहे हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ इतना कह दिया कि चाचा भतीजे के कार्यकाल में लूट मची थी, कितनी नौकरियां दी थी पूछ लेना, इस पर नाराज होने की क्या बात है? इनको संख्या बता देनी चाहिए, कितना निवेश हुआ, इनको रकम बता देनी चाहिए, कितनी किलोमीटर सड़क बनी इनको बता देना चाहिए, कितनी ग्राम में सड़कें बनी इनको बता देना चाहिए, कितनी बिजली दी इनको बता देना चाहिए। मैं कहा इसमें जो इतना इतना जो है चिंता क्यों कर रहे हैं? हाँ, लेकिन आंकड़े का जवाब आंकड़ा होना चाहिए। बोलिए अनुराग जी, नहीं ठीक है, दो और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, अनुराग जी जवाब दीजिए। इनका 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 आंकड़ा तो 15 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, वो तो हम ना बोल पाएंगे भैया, इतना बड़ा झूठ कि 15 लाख करोड़। मैंने जीभ में कुछ भी नहीं, 15 लाख करोड़। अरे भैया, समाजवादी पार्टी का विकास आज भी देखा जाता है, हमने एक्सप्रेस वे बनाया है तो आज भी सुबह से लेकर शाम तक लोग उस पर चलते हैं, हमने मेट्रो बनाई है तो लोग उस पर सफर कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, हमने स्टेडियम बनाया तो इंटरनेशनल किलोमीटर होते हैं, मेट्रो हमने यहाँ पे नहीं, कितना यहाँ पे, किलोमीटर हमने मेट्रो बनाए हैं, तो आप देख लीजिए पार्क पे कितना किलोमीटर मेट्रो आपने बनाई, अगर हमने कितना किलोमीटर मेट्रो बनाया है तो 100 किलोमीटर मेट्रो आपने जरूर कर दिया, लेकिन वो दिखाई पड़ रहा है 100 टाइम, अगर हमने कितना किलोमीटर मेट्रो रोजगार कितने किलोमीटर दिखाई पड़ रहा है, कितना किलोमीटर ग्रामीण सड़क, 6 लाख 15 लाख 30 लाख करोड़ हमने कोई आंकड़े नहीं है साहब, हमने हर जिले को 4 लाइन से जोड़ा है, रिवर बैंक में भ्रष्टाचार किया था, ठीक है, जेल गए आपके रिवर बैंक, कम से कम एक अच्छी चीज है कि दोनों में लोग रोजगार को लेकर ये बता रहे हैं कि किसके जमाने में कितने रोजगार दिए गए या कोई आंकड़ा नहीं है। अब बाकी मेहमानों को लेकर आते हुए प्लीज, बाकी अजय जी इंतजार कर रहे हैं, विशाल मिश्रा भी हैं, इन दोनों से बातचीत कर लेते हैं, उस पर मैं करते रहिएगा प्लीज प्लीज, तब तक वो अपने आंकड़े निकाल लेंगे, ठीक है ठीक है। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए, अब सरकार का पूरा का पूरा जोर नीतियां निकालने में है, भर्ती प्रक्रिया को तेज रफ्तार में आगे बढ़ाने में है, तो इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए ना अजय वर्मा जी। अब भले ही इसको चुनाव के बाद लगे झटकों का परिणाम माना जाए, लेकिन कम से कम नौकरी की दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है, और लगातार हम नीचे दिखा भी रहे कि वो आंकड़े आपको दिखाएंगे कि दिसंबर तक वो कौन कौन से पद होंगे जिनको भरने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। अजय जी, चित्रा जी, ये तो आप कह रही हैं या भाजपा की वो आईटी सेल और इनकी टीम कह रही है? झूठ की शुरुआत तो जिस वक्त 2014 में चुनाव शुरू हुआ था तो कहा गया था, मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी हर साल,
15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और अमीर गरीब की दूरी पट के बराबर हो जाएगी। तो जब झूठ की शुरुआत माननीय महामानव ने रखी थी तो उनके सारे नेता प्रवक्ता तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जहां तक भर्तियों का नौकरी का सवाल है तो आपको एक आंकड़ा बताऊं, 17 से गिनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। बात आपने पेपरों पर और नौकरी पर करी थी तो माननीय ज्ञानी प्रवक्ता बीजेपी के कहां कहां पहुंच गए, लेकिन थोड़ा सा मैं मुद्दों पे बता रहा हूं। फरवरी 2022 गुजरात क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम टोटल फेल कैंसिल। दिसंबर 2023 20 जीपीएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बिल्कुल कैंसिल। 2000 अक्टूबर 23 में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कैंसिल। जून 23 भैया यूपी पर बात हो रही है, अजय वर्मा जी एक सेकंड, पूरे देश के आंकड़ों पर नहीं, यूपी पर फोकस है और ये एंकर पर शुरू से सवाल, एक सेकंड सुनिए ना अजय वर्मा जी, इस बीमारी को बगल में रख के आया करिए, है ना, कि एंकर बता रही है और एंकर दोनों, इतने मेहमानों को बुलाया गया है तो सबके पक्ष रखे जा रहे हैं, सामने नहीं रखे जा रहे हैं। तो प्लीज ये जो मानसिकता आप लोगों की है ना एंकर पर वार करने की, इसको थोड़ा बगल में रखिए, मुद्दे पर रहिए अजय वर्मा जी, मुद्दे पर रहिए। यूपी में बेरोजगारी और रोजगार को लेकर इस समय डिबेट की जा रही है, हम यूपी से इतर नहीं जाएंगे, यूपी पर ही डिबेट करते हैं, प्लीज। मैंने देखिए 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 मैंने शुरुआत जब 2014 के झूठ की करी तो 20 सेकंड देश की बात रखनी थी। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए, बोलिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब वादा करा था कि अगर के इतने के आए हैं, भ्रष्टाचार के घोटाले अगर मैं खोलना चाहूंगा, हर पेपर रोज अखबार में भरा रहता है, ना कौन मना कर रहा है, इसीलिए बैठा के रखा है अजय वर्मा जी आपको, अपराध नहीं हो रहा है, लूट डकैती बताइए देश हर राज्य, रोज मैं आपको आंकड़े भेज सकता हूँ। दूसरा भर्ती रोज रोज जो है, सुन लीजिए, भर्ती आज बांट रहे थे योगी साहब लेखपाल नियुक्ति के पत्र, और उत्तर प्रदेश के एक जनपद में एक लेखपाल में आज एक पेपर पढ़ रहा था, वहां पर एक केंद्रीय मंत्री गए थे प्रोग्राम में, तो लेखपाल कह रहे थे साहब पत्र और नौकरी तो बहुत दूर की बात है, ये खाना खा रहे हैं नाश्ता कर रहे हैं और हम यहाँ सुबह से भूखे बैठे हैं। वो बड़ी चर्चा में है, वो डीएम ने उसे डांटा, फिर वहां के कलेक्टर ने और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एक प्रोग्राम में मौजूद थे। तो इनका जो रवैया है सरकार का, झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो और तेज बोलो, ये आंकड़े कुछ नहीं, आंकड़ों की बाजीगरी में करते हैं। भ्रष्टाचार में अगर देखा जाए तो कितने घोटाले में, अयोध्या कॉरिडोर घोटाला, टोल घोटाला, नीट की परीक्षाओं का भी आपको पता चल ही रहा है। ये बेसिकली आंकड़े बना देते हैं कि प्राइवेट नौकरी जोड़ देंगे, मनरेगा को जोड़ देंगे। नौकरी का मतलब ये था कि सरकारी नौकरी इन्होंने 2017 से लेकर 2024 तक कितनी दी। अगर ये कह रहे हैं कि हमने 6 लाख दी, वादा क्या था योगी जी का, 6 लाख का एवरेज निकाल लीजिए 17 से लेकर 8 साल का, ठीक है। ये केवल अपना एजेंडा चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में सरकार फेल है, भ्रष्टाचार में सरकार फेल है, ठीक है, विशाल मिश्रा जी को लेकर फेल है, हाँ, अपनी वाहवाही करानी, आईटी सेल से झूठ चलवाना, ठीक है। विशाल मिश्रा जी, उनका ये दावा है कि नौकरी के मुद्दे पर सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही करवाने के लिए जानी जाती है, पेपर लीक के वो मामले उठा रहे हैं और नौकरियां जो अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं उसको लेकर कैसे बढ़ेगी आगे सरकार। विशाल जी, चित्रा जी, उत्तर प्रदेश को लेकर बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में दी गई नौकरियों को लेकर बात हो रही है, मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता और जो हमारे कांग्रेस के हैं अजय जी, जानती हैं इनका आज के डेट में विपक्ष का काम क्या हो गया है, प्रतिपक्ष का, इनका सिर्फ और सिर्फ चित्रा जी एक ही काम हो गया है जो अपने उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की ही बात चल रही है, झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठई चबेना, झूठ झूठ झूठ, और झूठ की पराकाष्ठा तो इस बार के लोकसभा के चुनाव में सच क्या है आप ही बता दीजिए विशाल नौकरी जी। की बात है लेकिन उससे पहले दो लाइन में पूछना चाहूंगा, मैं डाटा दे रहा हूँ, डाटा देखिएगा, अब यहाँ पे तत्व पर बात होगी, चरित्र में आराम से यानी सत्तावादी हरीश चंद्र, पहले तो समाजवादी, अरे सुनिए, मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला, बोले विशाल जी, कोई नहीं बोले, मैं कुछ नहीं बोला, सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा, हमें नहीं बोला तो बोलिए। चित्रा जी देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में केवल और केवल 2 लाख नौकरियां दी गई थी, जो भी सरकारी नौकरी की कांग्रेस मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियों को भी सुना जाएगा, इससे पहले बसपा के सरकार में 95,000 नौकरियां दी गई थी, सुन लीजिए। प्लीज अनुराग जी, अजय वर्मा जी, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, एक तो मैं वैसे भी उनके पास 25 मिनट के बाद गई हूँ, ये तरीका नहीं हो सकता है, सबका ऑडियो डाउन किया जाए, एक एक करके अपनी बारी में बोलेंगे, हाँ डेटा वाइज ही बताएगा विशाल मिश्रा जी, इधर उधर मत जाइए, बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए, इनके बिल्कुल इधर, चित्रा जी बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगा, बता रहा हूं, पुलिस में 1,43,000, बेसिक शिक्षा 1,54,000, जिसमें से खंड शिक्षा अधिकारी 309, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 18, 78,
वरिष्ठ प्रवक्ता डायट 74, प्रवक्ता डायट 1280, प्रधानाचार्य जीआईसी 346, पिछले अक्टूबर में 394 होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल, 1300 जुलाई अगस्त में, 9 जून पिछले साल 7182, कल 7720 लेखपाल। और बात कर रहे हैं इसकी, इनसे पूछिएगा कि इनके कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, जब इनके बहुत जो है नजदीकी आजम खान मंत्री हुआ करते थे, तो जल निगम का जो घोटलवा हुआ था, बताओ ना, ओ झूठे चबैना, भूल गए, तब हुआ था चित्रा जी, 1188 लोगों की नौकरी हाई कोर्ट ने एसआईटी बैठाई थी, एसआईटी की रिपोर्ट पे बताइए नौकरी चली गई थी, ठीक है, ये भ्रष्टाचार का इनका करप्शन है। और तो और आगे सुनिएगा चित्रा जी, माननीय हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी इनके आयोग के चेयरमैन पर, लेकिन ना उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। और तो और चित्रा जी, मजेदार बात तो ये, आज कल लेखपाल का पर्चा बटा है ना नियुक्ति पत्र, इनसे पूछिए कि कितने लेखपाल की नौकरी गई थी इनके कार्यकाल में, 1364, यही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जांच में, और सीबीआई जांच के बाद पूछिए कितने युवकों के मुंह से निवाला ले लिया था इन्होंने। हाँ। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ले लेती हूं। के लिए जो रास्ता अपनाया गया था, जो सूची अपनाई गई थी, उस नाते जब जांच हुई तो जांच में उन लोगों की नौकरियां गई। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, वो कह रहे हैं कि जब नौकरी दी गई थी और बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच लगी तो कई नौकरियां चली गई थी। हाँ, एक लाइन में विशाल जी की बात खत्म करेंगे, अनुराग जी जवाब देंगे। बोलिए, एक लाइन बोलिए 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 एक लाइन एक लाइन इनसे पूछिएगा, कई विश्वविद्यालय खोले थे अभी, सैफई का आपने बाइक चलाया था कि इनके नेता बोल रहे थे नियुक्ति के मामले में, पूछिए ना कितने विश्वविद्यालय खुले, हर मंडल में एक विश्वविद्यालय, चाहे हमारा देवी पाटिल मंडल हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे हमारा मुरादाबाद मंडल हो, खुल गया कि नहीं खुल गया, जी बोलिए। अब चित्रा जी झूठ बोलते हैं यहाँ पर बैठकर, झूठ बोलते हैं चित्रा जी, कोई ना बोले क्योंकि हमने सबका सम्मान किया, बोलेगा बोलिए बोलिए, देखिए सवाल है कि चबैया झूठ बोलोगे, ठीक है विशाल, आंकड़ों से हो गया आपकी बात, अब उसको बोलने दीजिए जवाब, मैं बीच में नहीं बोला, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए मैंने ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला था आपको याद होगा, 70 लाख रोजगार प्रत्येक साल देंगे, उसके हिसाब से कम नहीं तो 2,40,00,000 रोजगार आपको देना चाहिए था, तो आप कह रहे हो 6 लाख हमने दे दिया, 6 लाख हमने दे दिया, अरे 2,40,00,000 रोजगार कहाँ है बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और समाजवादी, और आपने बोला था हर साल 10 विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कहाँ यूनिवर्सिटी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, किधर यूनिवर्सिटी, आपने झूठ बोल के इस उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता को ठगने का काम किया, 69,000 भर्ती अभी भी रुकी हुई है शिक्षकों की, आपने कहा था कि यहाँ भर्ती करेंगे, भर्ती तो छोड़ो, आपके यहाँ भर्ती की तारीख निकलती है, तारीख निकलने के बाद लोग इंतजार करते हैं हम फॉर्म भरेंगे, जब वो फॉर्म भरते हैं तो परीक्षा कैंसिल हो जाती है क्योंकि फॉर्म कैंसिल हो गया, अगर फॉर्म भर भी जाता है, परीक्षा हो भी जाती है, तो उसका परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा लीक हो जाती है, अगर किसी कारण परीक्षा हो भी गई तो रिजल्ट आने के समय रिजल्ट हाईकोर्ट में रुक जाता है क्योंकि रिजल्ट में गड़बड़ी पाई जाती है, तो आप ना परीक्षा करवा पाते हो, परीक्षा लीक हो जाती है, और परीक्षा जो होती है उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो आप मत ही बोलिए, जिस तरह से आपने अन्याय अत्याचार युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर किया जानती हुआ, इसलिए आपसे सीधी सी बात कह रहा हूं आपसे, कहते हैं ना कोई ना पाया इनसे पार, भारत में फैला भ्रष्टाचार, भारत में क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार फैला दिया कि मत पूछो, घोटालों में कमी नहीं है, इनकी नजर में यही सही है, घोटालों में कमी नहीं है, इनकी नजर में यही सही है, पर्चे का घोटाला निर्वलों और जमीन का घोटाला निर्वलों की गर्दन को है मरोड़ा, कागजों में सुन तो लीजिए, हम देखो आपके बीच में नहीं बोला था, चित्रा जी देखिए अन्याय करती है, हम बोल रहे हैं आपके आवाज बंद कर देंगे, तो आप बोलिए पीछे पीछे बुलवाना आपको तो बोलती है, प्रेम शुक्ला जी भी जवाब देना चाहते हैं, आप मुझे पता है अनुराग जी आपने मेहनत से वो कविता लिखी है, आप सुना लीजिए उसके बाद मेहनत से पश्चात मत कीजिए, आप बोलते हैं आवाज बंद कर देंगे, वहाँ नहीं बोल पा रही आवाज बंद कर देंगे, हमारे में तो बोलते हैं आवाज बंद हो जाएगी, आवाज बंद कीजिए तमाम बोले, मेहनत से क्या होता है, मेहनत से तो होती है, बिना मेहनत के क्या होता है भाई, बोलिए भाई, हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं तब आप नहीं बोलते, आप लोग ये तो मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ, ये पक्षपात है और ये ठीक नहीं है, अपनी कविता मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये सरेआम पक्षपात है, कविता सुना लीजिए, हम तो उनके बीच में नहीं बोले, आपने कहा चुप हो जाओ, चुप हो गया सबकी आवाज डाउन हो जाए, हो गई जी, सुना लीजिए बोलिए, देखिए सुना नहीं लीजिए, मैं नहीं मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी सच को नहीं एक्सेप्ट करना चाहती, उसे पता है कि उसको जनता ने उन्हें नकार दिया है, अगर जनता ने नहीं नकारा होता तो इतने बौखलाए क्यों होते, पर्चा क्यों लेके आगे बांटने के लिए, क्योंकि उनको पता है पर्चा लीक हो रहा है, ये परीक्षा करवाते नहीं है, परीक्षा करवाते तो पर्चा लीक हो जाता है,
और परीक्षा हो भी जाती है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ भी जाता है तो कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि उसमें ये गड़बड़ी करते हैं, पक्षपात करते हैं, इसलिए रुक जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई ना पाया इनसे पार यूपी में फैला भ्रष्टाचार। घोटालों में कमी नहीं है, इनकी नजर में यही सही है, जमीन घोटाला, पर्चा घोटाला, भर्ती घोटाला, पानी घोटाला, चारों तरफ देखो घोटाला ही घोटाला। क्षेत्र में कितना खर्च किया है, कागजों ने झेला इसका बोझ या भार कह लीजिए, कोई ना पार पाए इनसे यूपी में फैला भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार है। देखिए मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया था, ठीक है, अब जब आप रोड बनाए, आपकी कविता हो गई। संसद भवन में अखिलेश यादव जी ने भी कविता पढ़कर सरकार पर हमला बोला था और इधर ये भी कविता सुना रहे हैं। सवालों के साथ शुक्ला जी जवाब दीजिए, ठीक है। ये बात तो सच है ना कि बीते 7 सालों में अगर हम देखें तो कितने पर्चा लीक के मामले सामने आए हैं। रोजगार के मुद्दे पर देखिए, ट्रिपल एससी वाला जो मामला है वो बेहद गंभीर है। युवा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी नौकरी पाने के लिए प्रदर्शन करें, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। 2018 में नियुक्ति के लिए आप लोग आवेदन निकालते हैं और उसके बाद देखिए मौजूदा स्थिति क्या रहती है। प्रेम शुक्ला जी, ये तो बेहद गंभीर विषय है ना जी। बेहद गंभीर नहीं, 6 लाख लोगों को रोजगार का जो है, रोजगार की नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया है। नियुक्ति पत्र देने के बाद क्या आपके मन में आशंका रह जाती भदौरिया जी? नियुक्ति पत्र 6 लाख को दिया, सरकारी नियुक्ति पत्र, तो ये साफ तौर पर नियुक्ति पत्र देने का मतलब होता है नियुक्त कर दिया। और आप फिर बीच में बोलने लगे, देखिए मैं इनको सुन रहा था ना, प्रभु जी आप जरा संयम बरत ले, अभी आप भाषण दे रहे थे संयम का, संयम भरत ले प्रभु जी, शांत हो जाए। 70 लाख याद दिलाया था बस, और तो छह लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देना ये इस बात का प्रमाण है। और किसी में भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ इनके यहाँ। तो जब इनके बच्चे कर देंगे बलात्कार तो उसको इनके नेताजी के अब्बू कह देंगे, बच्चों से गलती हो गई, इनके इनके अबू के कार्यकाल में हो जाएगा भ्रष्टाचार। जितना जितना खाद्य जो है, अब जितना खाद्य नहीं पैदा हुआ, जितना खाद्यान्न नहीं पैदा, फिर लगे चिल्लाने, चौड़ी कविता सुनाई सब लोगों ने धैर्य से सुना। मुझे लगता है कि जो ज्ञान आप दूसरों के लिए देते हैं अनुराग जी, प्लीज वो ज्ञान खुद पर भी अमल करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अनुराग जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी ये तरीका ठीक नहीं है प्लीज। आपने इतनी लंबी चौड़ी कविता दो दो बार सुनाई, उस समय सब लोग धैर्य से सुन रहे थे, ये तरीका नहीं हो सकता। उधर अजय वर्मा भी इंतजार कर रहे हैं, हमला होगा चित्रा जी, तो जवाब तो व्यक्तिगत मिलेगा प्लीज। अनुराग जी व्यक्तिगत हमला है जी, बलात्कारियों जी, लेकिन रोजगार पे रहते हैं ना, रोजगार के मुद्दे पर डिबेट हो रही है, रोजगार के मुद्दे पर। हाँ रोजगार पर ही हूँ, मैंने 6 लाख का जवाब किसका दिया? देखिए चित्रा जी, चित्रा जी मैं शांत हो जाऊँ, आज तक जो है, अनुराग जी आज तक ना, अनुराग जी ये तरीका ठीक नहीं हो सकता ना। जब आप बोल रहे थे उस समय वो शांति से सुन रहे थे, और फिर मैं आपका ऑटो डाउन कराऊंगी तो फिर आप लगेंगे नाराजगी जताने के लिए, ये कोई तरीका नहीं हो सकता ना अनुराग भदौरिया जी। अरे बोलिए ना, उन्होंने बोला, आप बोलने देंगे तब तो वो बोलेंगे, दोनों लोग साथ में बोलेंगे कैसे समझ में आएगा? ये तरीका नहीं हो सकता है प्लीज अनुराग जी, ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अगर अब आप बोलेंगे आपका ऑडियो लगातार बुलेटिन में डाउन रहेगा। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, रोजगार पे रहते हैं ना प्रेम शुक्ला जी, रोजगार पे रहते हैं ना? मैं रोजगार पर ही हूँ। हाँ रोजगार पर ही हूँ मैं। देखिए ये RBI का आंकड़ा बता रहा है कि इस देश में 2023-24 में 6.4 करोड़ रोजगार नए सृजित हुए, 5.9 करोड़ रोजगार 2022-23 में सृजित हुए, ये 2 सालों में ही 12 करोड़ रोजगार सृजित हुए। ये 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे सालाना, 12 करोड़ रोजगार, और मेरा आंकड़ा नहीं है, मैंने घर में नहीं मैन्युफैक्चर किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका आंकड़ा सबसे अधिक प्रामाणिक होता है, आप वो उठाकर देख लीजिए, 12 करोड़ रोजगार का सृजन 2 वर्षों में हुआ। आप मुझे बता दीजिए ना कितनी नौकरियां दी, तो ये इनके पास जो है, इनके पास कुछ रहता ही नहीं। देखिए अनुराग जी, आप बताइए ना 5 सालों में कितनी नौकरी आपकी ओर से दी गई, ठीक है, आखिर पर बात कर लेते हैं, आखिर पर बात कर लेते हैं, बताइए 2012 से 2017 तक आंकड़े में बताइए कितनी सरकारी नौकरियां दी गई। अनुराग भदौरिया जी इधर उधर नहीं जाते हुए, और प्लीज ये तरीका नहीं होता है कि कोई बोल रहा हो तो हम ठहाका लगाकर हंसने लगे, गंभीर मुद्दा है ना। आप सोचिए उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे युवा हैं जो सुन रहे हैं डिबेट को, सफाइयों से हम लोग जो है आंकड़े बताइए, आंकड़े बताइए, आंकड़े बताइए अनुराग जी, आंकड़े बताइए,
12 करोड़ कितनी सरकारी नौकरियां समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2012 से 2017 में दी गई? अनुराग जी, 20 लाख करोड़ इनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अनुराग जी, इतना फेंको कि कुछ समझ में भी आए किसी के? कितना दावा है आपका 5 सालों में सरकारी नौकरियों का? अनुराग जी, आज लग रहा है अपने आप से लेकर नहीं आए हैं। 24 करोड़ की पॉपुलेशन है और आपने 12 करोड़ रोजगार दे दिया। अनुराग जी, भर्ती को लेकर रोड पे क्यों है लोग, जरा बता दीजिए। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी, पहले आप जवाब दीजिए ना मेरे सवाल का। अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे आंकड़ा बताइए, सरकारी नौकरियां समाजवादी पार्टी के 5 सालों के शासनकाल में कितनी दी गई 2012 से 2017? समाजवादी पार्टी के सरकार में 1 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ, लोगों को 1 करोड़ रोजगार दिया गया। और बीजेपी की सरकार में क्या है? सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां, 20 लाख करोड़, सरकारी नौकरियां, 100 लाख करोड़ बोल दो, झंझट ही खत्म करो। सरकारी नौकरियां अनुराग जी, अभी तो सरकारी नौकरियों की बात हो रही है ना, फंस जा रही हो आप, कह रहे हो कि हमने अभी सरकारी नौकरियों का डेटा पूछ रही हूं। आपका मंदिर बनाया उसमें पानी भर गया। अरे आप ये बताइए भ्रष्टाचार में, बताइए कि आप नंबर वन है कि नहीं है, बताइए भ्रष्टाचार में, रोड पे भ्रष्टाचार, पेपर लीक में भ्रष्टाचार। अनुराग भदौरिया जी, आज अपनी पार्टी का डेटा लेकर नहीं आए हैं तो मुझे लगता है मुझे ही बता देना चाहिए। 2 लाख सरकारी नौकरियों का दावा समाजवादी पार्टी की ओर से किया जाता है 5 सालों में 2012 से लेकर 2017 में। और अनुराग जी, आपकी जानकारी के लिए भी, रोजगार सृजन और सरकारी नौकरियों में फर्क होता है अनुराग जी, वही दावा तो उधर से भी किया जा रहा है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए, वो 1 करोड़ रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, उसके बाद अजय वर्मा जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, बोलिए। ये तो कहेंगे 30 लाख करोड़, स्रोत क्या है उनका? मैंने जो कुछ कहा, मैं आरबीआई का आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं लेबर मिनिस्ट्री का आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं 15 लाख करोड़ की बात करता हूं तो निवेश के संदर्भ में जो है राज्य सरकार का आंकड़ा दे रहा हूं। इनका आंकड़ा कहां का है मुझे बता देना, मैं तो आंकड़ा कहां से दे रहा हूं उसका फिर लगे चिल्लाने। ये देखिए बदतमीजी के लिए अगर भदौरिया को बुलाया जाता है अजय वर्मा जी, तो ये अच्छा तरीका है भाई, ये बदतमीजी ही कराई आज तक पहले, ये बदतमीजी करते हैं हर दिन करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। मैं भी, मुझे भी चीखना चिल्लाना आता है, लेकिन मैं संस्कारवान पार्टी से आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को संस्कार देकर भेजा जाता है, इनको हल्ला बोल चिल्लाना एक आंकड़ा नहीं दे पाई। 37-38 मिनट की डिबेट में मैंने जो भी आंकड़ा दिया, मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भदौरिया जी, मुझे लग रहा है कि इस तरह की बातों से डिबेट बहुत हल्का हो जाता है, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। अनुराग जी का ऑडियो डाउन किया जाए। अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगता है जो ज्ञान हम दूसरों के लिए देते हैं खुद पर भी कुछ अप्लाई कर ले। समाजवादी पार्टी का कोई भी दूसरा प्रवक्ता इस तरह से आकर नहीं करता है, ये इसको बदसलूकी कहा जाता है। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है और उम्मीद है कि आज आखिरी बार इस तरह की स्थिति बनती हुई देख रहे हैं। अजय वर्मा भी बैठे हुए हैं, विशाल मिश्रा भी बैठे हुए हैं, ये तरीका नहीं हो सकता है ना अनुराग भदौरिया जी, प्लीज ये गलत बात है। मैंने पूछा सरकारी नौकरियों का आंकड़ा बताइए, आप नहीं जवाब दे पाए, ऊपर से कुतर किए जा रहे हैं। अजय वर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए, अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी शासनकाल में वहां पर लंबे समय से नहीं है उत्तर प्रदेश को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, 1984 के बाद फिर उसकी सरकार नहीं बन पाई, या तो गठबंधन की सरकार रही या फिर समाजवादी पार्टी बीएसपी बीजेपी की सरकार रही। ऐसे में अब कांग्रेस ऐसा क्या करेगी कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 में बड़ी चुनौती यूपी में प्रस्तुत कर पाए? देखिए, हम लोग इस बार, अभी हमारा फोकस जो है हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, 2024 का भी चुनाव निकला। चित्रा जी, आज का जो ये कार्यक्रम है, सदन है, इसकी आप संचालिका हैं और हम लोग तो अनुशासित एक वक्ता के रूप में आप बैठे हैं। हम लोग ना तो बदतमीजी करते और ना हमें अच्छा लगता कि नेशनल चैनल पर कोई बदतमीजी करे और शब्दों के दबाव और जाल में चीजें डिबेट के बाद सही आंकड़े सही चीजें। हाँ, नहीं नहीं, देखिए अनुराग जी भी एक अनुशासित सिपाही हैं, जब अपनी बात वो रखना चाहते हैं तो वो रख रहे हैं, उन्हें रखने दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मामले में ही आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश पर फोकस रहिए, नीट और यूजीसी की जो परीक्षा थी चित्रा जी, क्या उसमें यूपी 26 करोड़ के करीब यहाँ लोग रहते हैं, 14 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रतिभागिता यूपी के स्टूडेंटों की, यूपी के छात्रों, यूपी की युवतियों की और यूपी के युवाओं की होती है। और 2024 में ARO प्रीलिमियम एक टेस्ट था, वो भी कैंसिल हो गया था। और घोटाले की जहां तक बात आप पूछ रही हैं, तो द्वारका घोटाला के बाद ये कॉरिडोर, अयोध्या कॉरिडोर घोटाले में भी कैग की रिपोर्ट है, आपको मैं भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिए कि कितना बड़ा था। और PWD का घोटाला आया था, वो भी CAG की रिपोर्ट थी। और जब भर्तियों में शिक्षकों ने पूछा तो उनके ऊपर लाठी बरसाई गई थी और कुछ महिला शिक्षक अपने बाल, अपने केश कटवा रही थी। देश में नारी शक्ति को अपमानित इस तरह से करा गया कि महिला बाल कब कटवाती है, केश कब कटवाती है,
योगी सरकार से त्रस्त होकर, देश की सरकार से त्रस्त होकर, देश में उत्तर प्रदेश की शिक्षिकाओं ने अपने बाल कटवाए थे, वो वीडियो भी मैं आपको भेज दूं, आप चलवा दीजिए। छात्रों पर लाठी पुलिस बरसाती है, वो नौकरी मांगते हैं, नीट की पेपर के खिलाफ मांग की जांच करते हैं, उन पर पुलिस जो है यूपी की निरंकुश बाबा की पुलिस लाठी बजाती है और लाठी बजाने के बाद उनको गिरा गिरा कर मारती है। और जब कोई समर्थन में बात करता है इनके सरकार के खिलाफ तो उसके खिलाफ इनके आदमियों को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन अपोजिशन का कोई नेता, अपोजिशन इनसे सरकार के खिलाफ कोई जज, रिटायर्ड ऑफिसर या कोई भी सरकारी अफसर बोलेगा तो उसको पनिशमेंट और सजा देते हैं। तो ये दो तरीके देश में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक परंपराओं का, प्रक्रियाओं का ध्यान देश की सरकार को और प्रदेश की सरकार को रखना चाहिए। ऐसा तानाशाही है भारत का संविधान। ठीक है, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। और 7 साल में अगर 8 पेपर लीक होंगे तो क्या ये भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आएगा? विशाल मिश्रा जी, नहीं चित्रा जी, वास्तव में पेपर लीक होना बहुत दुर्भाग्य का विषय है। ये युवाओं के भविष्य के साथ, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ होता है। लेकिन जो अभी बिल पास हुआ है, जो नया कानून बना है, चाहे केंद्र सरकार पे बना हो और चाहे राज्य सरकार पे बना हो, निस्संदेह अब उसके, अब ये जो है बीते दिनों की बात हो जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में या हो या केंद्र पे हो, हमें ऐसी घटनाएं नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट प्रावधान किया गया है, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात चित्रा जी, देखिए जब आंकड़े नहीं होते हैं तो आदमी कुछ भी बोलता है, अनाप शनाप। मैंने अभी जो आपको आंकड़े बता रहे थे उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में दो बातें बताना मैं भूल गया था। लगभग 32,000 अनुदेशकों की नौकरी रद्द हुई थी। और जानती है चित्रा जी, ये जो लेखपालों की नौकरी रद्द हुई थी, ये जो मैंने आपको 1300 लगभग जल निगम में बताया, 32,000 अनुदेशकों को बताया, 4,000 उर्दू शिक्षकों को, ये सब चित्रा जी तुष्टिकरण के तहत, जाति के तहत, मतलब येन केन प्रकारेण भ्रष्टाचार के तहत नियुक्ति कर दी गई थी। और ये सब सीबीआई और बाद में एसआईटी, जो माननीय कोर्ट के जो है निर्देश पर नियुक्ति हुई थी, उसकी जांच के बाद ये नौकरियां कैंसिल की गई थी। बताइए आप, लोगों के मुंह में रोजगार देख के, लोगों के घर के आप जो है रोशनी बिजाने का काम कर रहे थे। और रही बात ये घोटालों की बात कर रहे थे, पूछे रहे कितने विश्वविद्यालय बनवाए चित्रा जी, नहीं बता पाएंगे क्योंकि बनवाया ही नहीं है। और ये घोटालों की बात कर रहे थे, तो ये अभी बहुत बोल रहे थे, अरे तो रिवर फंड घोटाला, लैपटॉप घोटाला, राशन घोटाला, समाजवादी पेंशन घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, ग्रेटर नोएडा भूमि, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के चंद्रपुर से एक खबर आई है। आपको बता दें, 32 डाककर्मी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वहां पर नौकरी कर रहे थे, जिनको हाल ही में निकाला गया है। इस तरह की स्थिति कई जगहों पर देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जरूरी है पारदर्शिता, रोजगार का सृजन, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। यूपी सरकार उस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी का यह दावा है कि पेपर लीक जिस तरह से हो रहे हैं, या जिस तरह से कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका आयोजन तो कर दिया गया लेकिन रिजल्ट नहीं निकाला गया, रिजल्ट निकाला गया तो फिर उन युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, तो इस दिशा में भी काम करे सरकार। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब 2024 के लोकसभा के आंकड़े देश के सामने हैं। अब आगे इस स्थिति में कौन सी पार्टी किस पर लीड लेने की करती है कोशिश, लगातार बनी रहेगी इस पर आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।